नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नो दावर ऑफ एसोसिएशन सबसे बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग अपने जीवन में करते हैं बीस वर्ष की उम्र में अपने करियर में आगे बढ़ रहा था और एक्सपेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्निंग कर रहा था तो लोग आपके साथ एसोसिएट होने आते हैं इसलिए कहा जाता है कि उगते सूरत को सभी सलाम करते हैं और यही बात 20 वर्ष के अमित ने एक मिस्टेक की थी जब एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर पंद्रह हजार बीस हजार तीस हजार चालीस हजार कमाता था और उस समय पर मैं 90,000 थाउजेंड कमाता था तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये एक छोटा सा लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं कर पाया उसके बावजूद ये इतना पैसा कमाता है तो लोग मेरे साथ आए कि आप मुझे अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लीजिए आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए और अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होंगे तो हम इस इंस्टीट्यूट को एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का प्रारूप बना देंगे इसकी बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट्स बना देंगे और ध्यान रखिएगा, सफल व्यक्ति के मन में कई बार इस तरह का घमंड होता है जहां उसको लगता है कि अब तो मैं सफल हूं दुनिया मेरे साथ आने के लिए तैयार है और धीरे 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 करके जब समय बीतता गया जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब जो नब्बे हजार रुपये की इनकम मुझे बहुत बड़ी लगा करती थी वो बहुत छोटी लगने लग गई ध्यान रखिएगा आज के समय पर जो चीज़ लग्जरी है आने वाले समय पर वो चीज़ नेसेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी वरना आप थोड़ा सा पिछला चैप्टर उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि आर का वाटर पहले लग्जरी में आता था इन्वर्टर पहले लग्जरी में आता था मोबाइल फोन पहले लग्जरी में आता था लेकिन आज के समय पर मोबाइल फोन लग्जरी नहीं एक नेसेसिटी बन चुका है और उस समय पर आपके सामने चीजों का आकार छोटा पड़ जाता है क्योंकि जो चीज आपके लिए लग्जरी है वो बहुत बड़ी होती है और जब वो नेसेसिटी बन जाती है तो उसकी काबिलियत आपके सामने बहुत छोटी होती है जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे समझ में आया कि तीन वर्ष का समय लगाने के बाद मैं नब्बे हजार से एक लाख अस्सी हजार एक लाख अस्सी हजार से दो लाख बीस हजार नहीं पहुंचा तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास एक ऑप्शन आया था और वो ऑप्शन थी पावर ऑफ एसोसिएशन लेकिन जीवन में सफलता वही व्यक्ति करेगा जो अपनी गलतियों को ठीक समय पर पहचानेगा। मैं सफलता की चरम सीमा पर था लेकिन जब लोग मुझे मिलते गए मेरे साथ जुड़ते गए मुझसे एसोसिएट होते गए तो वो छोटा सा ज्ञान इंस्टीट्यूट ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बना अच्छे अच्छे लोग साथ में आए एसोसिएशन के फार्मूले से मात्र चार वर्ष के समय में मैंने पूरे हिंदुस्तान में एसोसिएशन की पावर का इस्तेमाल करके लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी और लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना की ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप पावर ऑफ एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं मेटास ओवरसीज लिमिटेड इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज आज मोर देन नाइन एसोसिएट कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति और कई सारे काम कैसे कर सकता है तो मैं उनको कहता हूं नो द पावर ऑफ एसोसिएशन इफ यू विल एसोसिएट विद समन तो आपकी पावर मल्टीप्लाई होगी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या है आपकी सर्विसेज क्या है फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप लोगों के साथ एसोसिएशन की पावर को समझने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो आने वाले समय में आपकी भी बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगे एंड द नेक्स्ट And most important thing, always grab opportunities.